हेलो एवरीवन, तो नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों का स्वागत है रेलवे डी ब्लॉक के यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरे भाई जो बिलासपुर जोन से अपडेट निकलकर सामने आई है पैनल की रिकॉर्डिंग, ये काफ़ी डरावनी है। काफ़ी डरावनी मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को एक एक चीज़ पता चल जाएगा। हमने थंबनेल पर क्या लिख रखा है कि बिलासपुर जोन का रिजल्ट आउट और इसने डराया, तो इसमें सच्चाई है। और इतने सारे स्टूडेंट का नाम क्यों नहीं आया, उसके बाद नीचे बोल रहा है क्यों बोला गया पीडीएफ जो उसने अप्लाई किया, मतलब उसने दे रखा है, उसमें ये बोल रखा है कि कुछ बच्चों का मेडिकल स्टैंडर्ड उस पोस्ट के अनुसार नहीं मिल पा रही है। ऐसे केस में स्टूडेंट को क्या करना होगा, इन सारे पॉइंट पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बिलासपुर जोन की रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको हम नीचे ले चलते हैं। नीचे थोड़ा चलिए और देखिएगा। तो देखिए मेरे भाई, नीचे क्या आया हुआ है। आज 16 तारीख तीसरा महीना 2023 की रिकॉर्डिंग। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी बिलासपुर से एक नोटिस वायरल हुई है, और इस नोटिस में यह बताया गया है कि प्रोविजनल पार्ट फर्स्ट 1131 कैंडिडेट का आ चुका। मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। बोल रहा है 1131 बच्चों का पार्ट पैनल आ चुका है, और इन्होंने चौथे लाइन में ये बता रखा है कि दिस इज ए प्रोविजनल पार्ट पैनल रोल नंबर सेम कैंडिडेट, मतलब ऐसे बता रखा है कि इसको जो जारी किया गया है वो किसी भी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस, रिजल्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड और उनकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या थी, इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। लेकिन जब आप चौथा लाइन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया दिस इज अ प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रोल नंबर ऑफ सम कैंडिडेट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ड्यू द नॉट क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि इस प्रोविजनल पार्ट के अंतर्गत उन स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड नहीं किया गया, या कुछ कैंडिडेट का रोल नंबर ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि वो मेडिकल एग्जामिनेशन में वो मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। तो मेरे भाई, अब बहुत सोचने वाली बात है कि स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच चुके हैं और उनका मेडिकल स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है। और इन्होंने आगे ये बता रखा है कि कुछ स्टूडेंट का नाम ऐसे का भी नहीं आया जिनका बायोमेट्रिक नहीं मेन हुआ था, नहीं हुआ था, इस कारण से ये चीज़ आरआरबी को सौंपी गई है। इसको जो रिपोर्ट लगेगी तो आगे पता चलेगी। कुछ लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं मैच किया था, तो इस प्रकार के डाउट भी कुछ है उसमें रिजल्ट में हैं, और इनका नाम सेकंड पैनल में आएगा। लेकिन जो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है ना कि कुछ स्टूडेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड मैच नहीं किया है पोस्ट के अनुसार, मेरे भाई ये थोड़ा डरावना है। अगर ऐसे होगा तो फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं 1131 का पार्ट पैनल जारी हुआ है, और इसके जस्ट दो दिन पहले 14 तारीख को आया था। अब बात करते हैं बिलासपुर जोन में कितनी वैकेंसी थी टोटल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसी की हम लोग बात करें तो 1664, और अगर आप 1664 में से 1131 घटा लेंगे तो आपके पास जो भी आएगा निकाल लीजिएगा, तो इतने लोगों का नाम नहीं है। इसका दो ही कारण बताया गया है कि कुछ लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ है, उस फिंगरप्रिंट मैच को देखा जाएगा, फॉरेंसिक जो टीम होती है उसके पास भेजा गया है, मैच किया जाएगा। अगर वो कैंडिडेट रियल होंगे तो उनके बारे में विचार किया जाएगा, उनका काम किया जाएगा, आगे को चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन और स्टूडेंट को बोला गया है कि मेरे भाई आप लोग को मैंने चौथा पढ़ा, एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ चौथा में क्या बोल रहा है। चौथा में यही बोल रहा है कि रोल नंबर ऑफ सम कैंडिडेट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ड्यू द नॉन क्वालिफाइंग ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट का रोल नंबर इसमें नहीं दिया गया है जो कि मेडिकल क्वालिफाइंग नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की मेडिकल स्टैंडर्ड ज़रूरत थी उसके आधार पर भी ये क्वालिफाइंग नहीं किए हैं। तो अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, कैसे नहीं होगा, तो ये तो बाद में देखने वाली बात है, लेकिन ये थोड़ा चिंताजनक बात है, तो इससे थोड़ा सतर्कता रहना है। और आपस में सभी स्टूडेंट एकता बनाए रखें, एक साथ जुड़े रहें, ताकि अगर किसी को एक को भी दिक्कत होती है तो सब लोग एक साथ सामने मिलकर आएंगे, ताकि उस भाई की प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो बस और ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि जिनका नाम आ गया उनको तो बधाई हो, लेकिन जिनका नाम नहीं आया है वो मेरे भाई सभी लोग एक साथ जुड़ कर रहेंगे तो ऐसे क्या फ़ायदा होगा कि किसी के साथ कुछ गलत तो होगा नहीं, क्योंकि भाई जाँच उच होगी। मैं हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके पास भी ये वीडियो पहुँचती है, अगर वो बिलासपुर जोन से बिलोंग करते हैं और उनका मेडिकल और डीबी एकदम सही हुआ था फिर भी उनका नाम इसमें नहीं है, तो मेरे भाई ऐसे स्टूडेंट कमेंट करें। ऐसे स्टूडेंट के साथ हम सभी लोग हैं, और आगे का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में ज़रूर डिस्कशन किया जाएगा। तो बस यहीं रखते हैं, देखते हैं आज तक
अगले दिन क्या नोटिस कैसे क्या आती है। तो बस दोस्तों, जय हिंद जय भारत।